के खिलाफ बड़ा एक्शन लेता है। शांति एनक्लेव कलोनी विखे स्थित मंत्री निवास तो सिर्फ 5 मीटर दूरी ते ही नाभा दे भारतीय जनता पार्टी नाल संबंधित उद्योगपति ओम जिंदल वालों करीब 3 एकड़ जमीन ते बिल्डिंग की उसारी की जा रही थी जो वक्फ बोर्ड की जमीन दसी जा रही है। नाजायज कब्जा होने की सूचना मिलने से मंत्री साधु सिंह धर्मसोत खुद मौके पर पहुंच के नाजायज उसारी का काम बंद करवाया। मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ आके इंक्वायरी करो। हाँ आप आके देखो किसका है जगह। हाँ नहीं मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैं लोगों की तो सुनूंगा ना फिर। नहीं इस आदमी ने पहले जो म्युनिसिपैलिटी पे दुकानें थी 50 दुकानें नजायज कब्जा थी वो हटवाया, और कितने कब्जे हैं। मैं जिहड़ा माहौल बना रहे ने लाला जिन्हां ने कलोनी कट्टी हुई है, ये कीड़ी है कलोनी शांति इनकलेव। मैं उन्होंने पूछा भी ये जगह सरकारी है जां वक्फ बोर्ड दी जां किसी होर दी, तुसीं इत्थे क्यों करन लगे हो। कहिंदे असीं तां इत्थे कुछ बना के ही देना। मैं तुसीं कौन बनाउण वाले, थोड़ी जगह नहीं। मैं नहीं, मैं तो विरोध करूँगा, मैं हुण नहीं देनी। सरकार दा होवे कोई सांझा काम होवे फिर तां होएगा, लेकिन तैनूं आ माल बना के आ 4 करोड़ रुपए की जगह दबनी चाहुंदा। मैं हुण देखिया और SDM नूं बुलाया, हाले तक अफसर बनाए ने मैं भी, इन्हां तों पता करो जे तां इहदे कोल कोई रजिस्ट्री है कोई मालकी ते नंबरां दी लिया बुला के इन्हों तो लैन सबूत, नहीं तो इन्हों परचा होना चाहिए। कि आप वक्फ बोर्ड की जगह है इनक्रोचमेंट हो रही है, इस संबंधी SDM साहब ने फोन किया भी मौके पर पुजो। असी मौके पर आए जिते थोड़ा जहा कम हो रहा है जिन्होंने असी अपने पुलिस प्रोटैक्शन ला के वो कम रुकवा था। जो बंदा वो कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहा है कमर्शियल प्रॉपर्टी, तो हूँ असं पहुंचे हाँ कम रुकवा दिता है, स्टेटस को लग गई है, ये इनकुआरी करा विदिन 2-3 डेज असी जो ओनरशिप हैगी है उन्हें मौका देवे भी आपकी ओनरशिप प्रूफ करे, नहीं प्रूफ कर सकूगा तो जिड़ी भी बनती कार्रवाई कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नाभा तो दीपक मंगल की रिपोर्ट चैनल 2।